आप तो जानते ही होंगे कि खाने में अगर नमक ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप नमक का इस्तेमाल करके पेंटिंग को भी स्वादिष्ट, मेरा मतलब है और भी खूबसूरत बना सकते हैं, तो मेरे विश्वास करोगे? चौंके मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यकीन नहीं आता? तो ये देखिए। चलिए हम एक झरने का पेंटिंग बनाते हैं। बहुत सारे पानी में थोड़ा सा रंग डालिए और इस रंग को इस्तेमाल कीजिए। ऐसे कम और ज्यादा रंग की वजह से ऐसा लगेगा जैसे पानी बह रहा है। जब रंग गीला हो तभी इस पेंटिंग पर नमक छिड़किए। देखा नमक रंग को कैसे सोख लेता है और इस वजह से पानी के हिस्से पर एक अलग इफेक्ट दिखने लगता है। हल्के हाथों से पेंटिंग करते रहिए और उस पर अब नमक के बड़े बड़े दाने डालिए। इस तरह का नमक आपको बारीक नमक के मुकाबले एक अलग ही इफेक्ट देगा। अब नमक के ऊपर भी रंग छिड़कते रहिए। नमक जितना रंग सोखे उतना ही अच्छा है। अपनी उंगलियों से नमक के दाने निकाल दें और तब हमें दिखेगा एक अनोखा पेंटिंग इफेक्ट। कितना खूबसूरत झरना है, सचमुच ऐसा लग रहा है कि पानी बह रहा है और ये सब नमक की वजह से है। आप इसी तरह समुंदर, नदियां, तालाब भी बना सकते हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, हम लोग तो अलग तरह के पदार्थ का भी पेंटिंग बना सकते हैं। अब हम ज्वालामुखी के उपलते हुए लावा की पेंटिंग बनाने वाले हैं। लावा बनाने के लिए आपको नारंगी रंग के अलग अलग शेड का इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा पानी मिलाए गए रंग का इस्तेमाल कीजिए और फिर ऊपर से नमक छिड़किए। अब गहरे नारंगी रंग से ज्वालामुखी के मुंह को रंगिए। ऐसा दिखाइए कि ये गर्मा गर्म उबलता हुआ लावा ज्वालामुखी के तले पर पहुंच रहा है। अब लावा की इस नदी पर अलग अलग मात्रा में नमक छिड़कते रहिए। इससे आपको हर जगह अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। भूलिए मत कि आपको नमक के दानों पर रंग छिड़कते रहना है ताकि आपकी पेंटिंग और भी बेहतरीन बन सके। जब रंग सूख जाए आप नमक को पेंटिंग पर से निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया, हमारे पेंटिंग कितने असली लगते हैं ना। पेंटिंग्स नहीं, फोटोग्राफ्स लगते हैं। आप नमक का इस्तेमाल किसी भी तरह की पेंटिंग्स में कर सकते हैं। क्यों ना एक बॉटल का पेंटिंग बनाया जाए जो कि ऐसा लगे कि अभी अभी फ्रिज से बाहर निकाला गया हो। अब आप मम्मी को दिखा सकते हैं कि नमक का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने में नहीं होता।